चॉकलेट। देखिए गाइस, पढ़ाई करते करते इसको चॉकलेट खानी है। मम्मा ने ये तो वो है लट्टू है बेटा खेलने के लिए। क्या बोल बोल। अब ये क्या लैसे लट्टू ना बोले लट्टू बेटा ना बोले लैसे लड़की लड़की लैसे लोमड़ी लोमड़ी लैसे लकड़ी। इधर आ जा, इधर आके पढ़ ले। हवा लग रही है बहुत अच्छी। अच्छा वैसे बक्के वैसे मछली वैसे वस्त्र वैसे वस्त्र और सैसे सलगम सैसे सलगम शरबत का है। शरबत बताओ ये रहा शरबत। सैसे सटकोरन हाँ सैसे सटकोरन सांप है ये है सैसे सपेरा सैसे सपेरा। मम्मी भूख लग गई। तो भूख लग गई तो एक बार पढ़ाई कर लो फिर खिला दूंगी। क्या हमें खिलाऊंगी पर बस चार अक्षर रह गए है से। ये क्या मम्मी बस नहीं बेटा देख ये थोड़ा सा हो रह गया है से। ये बताओ ये क्या है। चल ठीक है अब ये मुझे को दो अक्षर और कर दे एक जगह। चल ये कल पढ़ेंगे ठीक है। तो गाइस अभी ध्रुव ने हिंदी में बहुत कुछ अच्छे से सीख लिया है। ये पढ़ाएं नहीं दोनों दोनों रख दे। मैं साथ साथ में खिला दूँ साथ में पढ़ा दूँ। अच्छा मैं कुछ ये बताऊँ ये क्या है। हे गाइस तो चलिए ध्रुव की हो गई है पढ़ाई और बहुत कुछ अच्छे से सीख गया। दिन प्रतिदिन बहुत ही अच्छे से इसकी प्रोग्रेस हो रही है। और गाइस मुझे आप लोगों से एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है तो प्लीज़ आप पे वीडियो को पूरा देखिए एंड तक देखिए कि मुझे क्या बात करनी है। तो चलिए फटाफट से और बनाते सैंडविच। तो आपसे बहुत अच्छे होंगे गाइस। अभी ना क्या टाइम हो चुका है 5:30 हो चुका है तो मुझे सैंडविच और बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे मुझे उम्मीद है। क्योंकि अभी मेरे पास ना वो भी है चिली फ्लेक्स ऑर्गेनो वो भी है तो उसको डाल के अगर बनाते हैं ना कोई भी वेजिटेबल तो बहुत ही टेस्टी बनती है। दुपट्टा देखिए मेरा इस सूट का कॉटन का। तो अभी मैं जस्ट बाहर से आई थी तो मैंने ये वाला लेके गई हूँ। जब बाहर भीतर जाते हैं तो ये वाला दुपट्टा सही होता है कॉटन का। तो चलिए गाइज फटाफट से बनाते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बनाना है सैंडविच और इसी में मैंने ना थोड़ी सी मेयोनीज सॉस वगैरह डाल के और वेजिटेबल क्या है टमाटर प्याज और शिमला मिर्च तो तीनों को इस तरह से कट कर लिया। और ये देखिए हमारी ब्रेड है और ये मैं 10 वाला पैकेट ही लेके आई हूँ ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा ही है। तो चलिए बनाते हैं। और मेयोनीज ये देखिए अभी मैंने डाली थी ना ये देखिए ये वाली डाली है। हाँ जी ये फटाफट से हम लगा लेते हैं सारा जो हमने मसाला बना के रखा हुआ है। इस तरह से हम सारे सैंडविच तैयार कर लेते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से सारे भरने के बाद। गाइज इसके ऊपर से हम डाल देते हैं ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स। तो गाइज इससे और अमेजिंग सा टेस्ट आता है। और आप लोगों को पता है मैं ये शायद आई थिंक 1-1 रुपये के मुझे मिले थे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे सारे सैंडविच तैयार हो गए हैं। और चलिए फटाफट से अभी मैं थोड़ा सा बेडरूम और आप सोचोगे कहाँ सैंडविच बना रही थी लेकिन सैंडविच बनाते बनाते बीच में आ गई है बेडरूम। तो मैं बताती हूँ आपको अभी इसके पापा जस्ट उठे थे सो के क्योंकि इनकी नाइट शिफ्ट चल रही थी
तो फिर ये ना बेड ऐसे ही फैला हुआ था, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको बेड को थोड़ा सा सेट कर देती हूँ यार, थोड़ा सा भी फैला होता है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ना ही मेरा किसी मन लगता किसी काम में। तो अभी मैं हल्का हल्का सा इस तरह से थोड़ा सा बेड को सेट कर देती हूँ। और जो चीज़ मंगवाते हैं उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं करते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, हम चाहे कुछ भी मंगवा लो। तो बस मैं इस तरह से इसको एक बार कर दिया ठीक। और गाइज अभी आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये वाली बेडशीट दिख रही आपको ना, तो ये वाली बेडशीट मैंने ना रात को बिछाई थी तब इससे पूरा दिन निकल गया है, अभी तक मैंने इसको नहीं छेड़ा और देख सकते हो कितने अच्छे से सेट हो गई। और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, तो चलिए किचन में फिर मैं थोड़ा सा काम करके फिर बनाती हूँ सैंडविच। और यहाँ पे सैंडविच बनाने से पहले मैं चाय बनाने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि चाय बनने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और चाय अगर अच्छी बनानी हो ना तो कोई भी चीज़ बनाओ उससे पहले रख दो अच्छे से कुल के, मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। और गाइज आप लोगों को पता ही है सैंडविच में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, इनकी जो मतलब इनको फील करते ना उस टाइम थोड़ा सा लगता है टाइम, बाकी फ्राई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और गाइज आप लोगों से मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, तो प्लीज़ आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, एंड कहाँ बीच में वो बात मैं आपसे बात शेयर कर लूँ तो वो बात को भी आप ना स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो देखिएगा। और तो चलिए यहाँ पे बन गई है चाय मतलब, और अभी डाल देती हूँ सब कुछ मसाले वगैरह। यहाँ पे अब हमने चाय चढ़ा दी है, दूसरी साइड मैंने ध्रुव के लिए दूध भी रख दिया है, ध्रुव का दूध भी हो जाएगा ठंडा तब तक। और मैं ध्रुव का दूध ऐसे ही करती हूँ, अपनी चाय बनाती हूँ साथ साथ ध्रुव का दूध भी गर्म कर लेती हूँ, फिर बाद में वो भी ठंडा हो जाता है। ये किसने दिया? और यहाँ पे थोड़ा सा किचन में मैंने एक बार कर दिया है साफ, फिर बर्तन वगैरह तो मैं बाद में ही साफ करूँगी जब सारे बर्तन हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इनको फटाफट से हम उल्ट पलटते रहेंगे, अगर इनको फुल पे आप बना रहे हो जैसे मैंने फुल गैस चला के बना रही हूँ तो उल्ट पलटते रहना जल्दी जल्दी, कहीं जलती बहुत मतलब जलती बहुत जल्दी है इस तरह से ये ब्रेड, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कहीं और तरफ ध्यान लगे ना, तो ये समझ लेना कि बस पूरी ब्रेड जल ही जाएगी। दो मिनट क्या एक मिनट के लिए ही बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है। और आप लोगों को पता है मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, मेरे साथ हो चुका है ये, मैंने कई बार मेरा ध्यान इधर उधर हो जाता था तो मेरी ब्रेड पूरी जल जाती थी। और इस तरह से मैं इसकी हेल्प से थोड़ा सा इनको दबा दबा के सेकूँगी, और आप देखिएगा बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है इन पे। और थोड़ी दूसरी साइड भी हम ना इस तरह से लगा के, घी बटर कुछ भी आप अपने अच्छे से लगा सकते हो, तो इस तरह से पलट पलट के दोनों साइड। और मैंने अपने लिए बनाई थी ना, तो ये देखिए मैंने अपने लिए बनाई थी ना, मैंने उन पे घी नहीं लगाया था, बस मैंने हल्का हल्का ऐसे ही गर्म कर लिया था। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो हमने तीन सैंडविच बना कर रख लिए हैं, और अभी इन तीनों को हम चॉप करेंगे, मतलब कि दो दो पीसेस करेंगे, आप अपनी मर्जी से करना चाहो तो कर सकते हो, उस प्लेट में नहीं कर सकते हम, इस पे चॉपिंग बोर्ड पे करेंगे। और अच्छे से सावधानी से करें, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे चक्कू लगने का भी डर होता है। और आज सुबह सुबह मुझे ना मेरे मतलब जैसे नींबू कट कर रही थी तो मेरी ही उंगली में लग गया देखो, और सुबह सुबह उठने के बाद था जब मैं नींबू पानी ले रही थी। और यहाँ पे दो सैंडविच हमारे हो गए कट के अच्छे से रेडी, ये देखिए ये भी थोड़ा सा रहता है। और गाइस सच बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे और हेल्दी, और आप देख सकते हो इनके अंदर स्टफिंग बिल्कुल सेम ऐसी है जैसे हम ले के आते हैं। और अभी इन पे पता है क्या, बस 10 रुपये की ब्रेड आई थी, बाकी हमारे घर में होता ही है सामान तो इस तरह से, जैसे सॉस हो गया, मेयोनीज होगी, वेजिटेबल होगी, तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं था। और इस तरह से घर पे बनाइए खाइए। और आप लोगों को मेरे सैंडविच बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ये भी शेयर कीजिएगा यार, ज़रूर कीजिएगा। और ये चाय एंड गर्मा गर्म सैंडविच रेडी है, तो चलिए आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए,
हमारे साथ। और यहाँ पे अभी ध्रुव का दूध भी ठंडा हो रहा है, तो चलिए। हे गाइस, तो अभी टाइम हो चुका है 6:30 और चाय और सैंडविच मतलब खाने के बाद पीने के बाद अभी मेरा देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना पीछे से। तो अभी मेरा काम क्या रहता है, मैं हल्का हल्का सा झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बर्तन हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, फिर बर्तनों को करना है क्लीन। और गाइस, अगर आप लोगों ने आज के वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार, लाइक करने से कुछ नहीं जाता। वो देखिए अपना काम कर रहे हैं, तो चलिए बातें करते। निकाल लेती हूँ झाड़ू और उसके बाद आपको दिखाती हूँ मेरा किचन कितना फैला हुआ है, यानी बर्तन। फिर पति बोलेंगे किचन कहाँ फैलता है, बर्तन फैलते हैं। चलो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए क्या हो गया, क्या हुआ, कैसे। हाँ वो तो मैं शेयर नहीं करूंगी ऐसे, बोल बताओ क्या हुआ, क्या हो गया, फिर क्या? रात बोला था विकास नोट गुड, वो वाला अभी देखा आपने, फिर अभी टाइम और लगेगा ना। चलो कोई ना, कर लो। तो इन्होंने अपने काम में कुछ मिस्टेक्स किए हैं, वो कर रहे हैं ठीक। और हम निकाल लेते हैं झाड़ू। देख सकते हैं किचन एकदम अच्छे से क्लीन हो गया, सारे बर्तन वगैरह सब अच्छे से साफ हो गए और ये सिंक भी अच्छे से साफ हो गया, सारे अपने अपने जगह पे लग गए बर्तन। देखिए और जोत भी हो रही है हमारी। अभी काम रहता है क्या, किचन वगैरह तो हो गया क्लीन, अभी काम क्या रहता है, अभी मैं जस्ट अपना फेस मतलब साफ नॉर्मल पानी से वॉश करके आई हूँ, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो अच्छा लगता है ठंडा ठंडा बार बार में ऐसे साफ करते रहना चाहिए। और अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे बनानी है कढ़ी। टाइम क्या हो चुका है, 7:41। तो देखिए, और फ्रिज को भी मैंने एक बार अच्छे से कर दिया सारा क्लीन, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि मैंने कई बार इंदर में कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो मैंने सोचा इसमें क्यों वेस्ट टाइम करें। और ये देखिए लस्सी, लस्सी की बोतल आई हुई है, समझ लो घर की है ये लस्सी। तो यहाँ पे जैसे थैली वगैरह के ला के बनाओ ना तो उसका इतना टेस्ट नहीं आता, और ये वाली लस्सी है ना तो थोड़ी सी अच्छा लगेगा। तो चलिए बनाते हैं कढ़ी, और आप लोगों को फ्रिज भी दिखाती हूँ मैंने किस तरह से साफ किया है, ये देखिए। और आधे से ज़्यादा मेरी कटोरिया है अंदर है फ्रिज के, आप माइंड मत कीजिए, किसी में सब्जी किसी में मलाई है। और ये देखिए, और इस साइड ऊपर ये पोर्शन तो सिर्फ इन्हीं का, और मटर पड़ी है मेरी, 2 दिन हो गए निकालनी है मुझे, आज निकालूंगी। तो चलिए करते हैं, होने वाला है आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करूँगी, तो आप ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहे और लास्ट तक आप बने रहे, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है मुझे, तो चलिए कंटिन्यू। तो गाइड्स, अभी ध्रुव की पढ़ाई हो चुकी है कंप्लीट, और टाइम पता आप लोगों को क्या हो चुका है, टाइम हो चुका है 11:30। और अभी मैंने ना ध्रुव को थोड़ा सा पढ़ाया, और क्या खाना है। और गाइड्स, आप लोगों को मैं कुछ बताना चाह रही थी, मैंने बोला था ना आपको एंड में बताऊंगी, तो मैं आप लोगों से बस यही बात करना चाह रही थी कि अभी मैं आप अगर आप लोग कहोगे तो मैं अपने ब्लॉग को 2 या 3 दिन में अपलोड करूँगी, क्योंकि डेली डेली ब्लॉग डालती हूँ तो कोई भी वॉच नहीं करता अच्छे से। तो मैं सोच रही हूँ मैं 2 दिन छोड़ के ब्लॉग अपलोड करूँ, तो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं 2 दिन में ही, या फिर आप लोग सहमत हो तो मैं डेली डेली डाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है डेली डेली कोई ब्लॉग अच्छे से देख नहीं पाता होगा, और सेम रूटीन देख के आप लोग भी शायद बोर हो गए होंगे।
तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग डेली शेयर करूँ या फिर एक दिन या दो दिन छोड़ के बीच में गैप लेके ब्लॉग शेयर करूँ। और मेरे को ऐसे काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, आप अपना काम करो। क्या कहाँ कर रहे हो, आप क्या सोचते हो मेरे को ब्लॉग डेली अपलोड करना चाहिए या फिर दो तीन दिन रुक के? ये क्या सवाल हुआ? नहीं तो फिर भी नहीं, मेरे को टाइम तो डेली लग जाता है। अगर आप तो डेली अगर कोई बोले तो मैं बोलूँगी ना, मैं अपने ऑडियंस से भी तो पूछ रही हूँ। क्या यूट्यूब के पास? अच्छा अच्छा, लेकिन आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग चाहोगे तो मैं डेली अपलोड करूँगी, वरना मैं दो तीन दिन का गैप रख के एक अपलोड वीक में मैं सोच रही हूँ दो या एक वीक दो या फिर तीन ही मतलब वीडियो डालूँ, क्योंकि डेली देखते नहीं हैं और मैं इतनी मेहनत करती हूँ, कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता तो मेरा भी मन नहीं करता कि मैं डेली वीडियो डालूँ। तो बस यही, और आज का वीडियो का मैं यहीं पे करूँगी एंड, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।